साथियों ये है आपका आठवीं क्लास सेशन 2021 22 का बोर्ड एग्जामिनेशन इंग्लिश सब्जेक्ट का सिलेबस तो इसमें बहुत बड़ा चेंजेज है कौन कौन से चैप्टर आपके डिलीट हुए हैं रिड्यूस हुए हैं कम हुए हैं तो इसके अंदर सेक्शन ए के अंदर है साथियों आपका रीडिंग स्किल्स इसमें आएंगे आपके टॉपिक में अनसिन पैसेज टू इन नंबर्स वन फॉलोड बाय सब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड अदर फॉलोड बाय ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या एमसीक्यू यानी आपके दो अनसिन पैसेज आएंगे जिसमें आपके आ, ए, एक में आएंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे और एक में साथियों ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे टाइप ऑफ क्वेश्चन में सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव दोनों हैं और ये नंबर के आएंगे बीस मार्क्स के वेटेज होगा ट्वेंटी मार्क्स यानी दो अनसिन पैसेज एक सब्जेक्टिव आएगा जिसमें सब्जेक्टिव आंसर देने पड़ेंगे एक में ऑब्जेक्टिव और दोनों के मार्क्स होंगे साथियों ट्वेंटी जो सेक्शन बी है आपका सेक्शन बी में है राइटिंग स्किल्स राइटिंग स्किल्स में पैराग्राफ राइटिंग है लेटर राइटिंग है अप्लीकेशन राइटिंग है स्टोरी डेवलपमेंट है नोटिस राइटिंग है ये आपके पाँच टॉपिक हैं और ये सारे के सारे सब्जेक्टिव हैं और ये टोटल तीस मार्क्स के आएंगे थर्टी मार्क्स का सेक्शन बी होगा जिसके अंदर पैराग्राफ लेटर राइटिंग अप्लीकेशन राइटिंग स्टोरी डेवलपमेंट और नोटिस राइटिंग आपके टॉपिक होंगे और जहाँ तक है ग्रामर की बात सेक्शन सी आपका ग्रामर से रिलेटेड होगा और ये ग्रामर सी ग्रामर वाला सेक्शन है जो सेक्शन सी है उसमें नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव टेंस आर्टिकल रिपोर्टेड स्पीच चेंज द वॉइस प्रिपोजिशन कंजक्शन एंड वर्ब तो दस आपके टॉपिक हैं और ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव होंगे और ये तीस मार्क्स के होंगे और साथियों आपके जो मेन बात है जो आपकी सबसे खास और अहम बात है वो नो क्वेश्चन विल बी आस्क्ड फ्रॉम द लेसन चैप्टर फ्रॉम द प्रेस्क्राइबड एन सी आर टी और एस सी आर टी एनी अदर पब्लिकेशन टेक्सट बुक तो ये आपका खास और अहम है क्योंकि जो आपका सिलेबस में बुक लगाई गई है चाहे वो एन सी आर टी की हो या एस सी आर टी की हो उसके अंदर जो लेसन है उन लेसनों में जो क्वेश्चन आंसर है वो इस बार नहीं आएंगे ये एक खास और अहम बात है साथियों सिलेबस के अंदर ये बहुत बड़ा रिड्यूस किया गया है आपके तीन ही सेक्शन होंगे सेक्शन ए सेक्शन बी और सेक्शन सी सेक्शन ए रीडिंग का है सेक्शन बी राइटिंग का है सेक्शन सी ग्रामर का है रीडिंग स्किल का जो सेक्शन है बीस नंबर का है राइटिंग स्किल का जो सेक्शन है वो तीस मार्क्स का है और ग्रामर का भी आपका तीस मार्क्स mark का मार्क्स का है तो थर्टी प्लस थर्टी प्लस ट्वेंटी एट्टी एट्टी तो आपके ये हैं और ट्वेंटी की आपकी इंटरनल असेसमेंट है तो इंटरनल असेसमेंट विल कैरी ट्वेंटी मार्क्स एंड द स्टूडेंट्स विल बी असड एज पर स्कीम ऑफ असेसमेंट तो साथियों ये ग्रांड टोटल आपका हंड्रेड का हो जाएगा तो इस प्रकार आपका इंग्लिश का जो रिड्यूस सिलेबस है वो हमने आपको आपकी डिमांड के अनुसार कंप्लीट किया बताया आपको कैसा लगा अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर से करना साथियों क्योंकि बहुत सारे साथियों की डिमांड थी कि आठवीं क्लास का रिड्यूस सिलेबस बताया जाए तो हमारे चैनल पर विजिट कीजिए आपको हर सब्जेक्ट का आठवीं क्लास का बोर्ड का रिड्यूस सिलेबस आपको मिल जाएगा और वो भी सही जानकारी के साथ तो साथियों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो शेयर करने के साथ साथ अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना क्योंकि ये आपके बड़े काम का चैनल है द विजडम क्लासेज एजुकेशन रिलेटेड हर जानकारी आपको देता रहता है तो साथियों प्यार और समर्थन बनाए रखने के लिए आपका शुक्रिया आज की इस अपडेट में इतना ही जल्द नेक्स्ट टॉपिक लेकर आएंगे तब तक के लिए राम राम नमस्कार वंदे मातरम जय जवान जय क्षण